नमस्कार। मोदी सरकार के 9 साल पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। 9 साल पहले अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। बीते 9 सालों के दौरान बुनियादी ढांचे में सुधार, नई तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ नीतिगत फैसलों पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई ठोस और बड़े कदम उठाए हैं। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने 125 अरब से 140 करोड़ पार कर चुकी आबादी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। ये पल भारत में महज सत्ता के परिवर्तन, किसी पार्टी की जीत या फिर किसी व्यक्ति को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का पल नहीं, ये अभूतपूर्व क्षण 125 अरब भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी से रूबरू होने का समय था। चुनौती थी गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने की। पीएम मोदी की मंशा और इरादे साफ थे, उन्हें लीक से हटकर चलना था, बने बनाए रास्ते से कुछ हटकर काम करना था। जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली तो बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन वक्त की जरूरत थे। इसमें गांवों और किसानों की चिंता थी तो शहर को आधुनिक बनाने का जिम्मा भी था। स्वच्छता जैसे मुद्दे को केंद्र में रखकर महिलाओं के सम्मान व दलितों और वंचितों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नए विजन के साथ काम करना शुरू किया। यहाँ से जो सफर शुरू हो रहा था उसमें जरूरत थी जन भागीदारी की, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके। 125 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीदों के सपनों को सच करने के लिए नई सरकार को बड़े बदलाव करने थे। संसद में अपने पहले ही संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वो रास्ता, वो मंत्र सबके सामने रखा, चुनौतियों से निपटने की रूपरेखा सबके सामने रखी। देश का प्रधान सेवक बनने के बाद से ही पीएम मोदी के फैसलों ने उनके इरादों को जाहिर कर दिया है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, जी हाँ, ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 9 साल में प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ाई बल्कि हर क्षेत्र में भारत को मजबूत किया। अनेक देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ एक उद्देश्य रहा, विश्व मानचित्र पर भारत का स्थान ऊंचा और ऊंचा करना। विदेशों में बसे भारतवंशियों को उन्होंने राष्ट्रदूत की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री मोदी की टीम के तमाम मंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही सबका प्रयास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों से भरे रहे। इसका सबसे ताजा उदाहरण है देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, जिसे तय की गई समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया। अपने पहले कार्यकाल के पहले 4 साल में ही मोदी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिससे देश का भविष्य आज उज्ज्वल नजर आ रहा है। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इन 9 सालों में कई बड़े फैसले लिए। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया। इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इन 9 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की।
इन 9 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में काफी काम हुआ है और भारत की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। इस दौरान सौर ऊर्जा पर सरकार का विशेष फोकस रहा है। आज देश बिजली की मांग अपने बूते पूरी कर रहा है। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई है। 28 अप्रैल 2018 भारत की विकास यात्रा में ये तारीख स्वर्णाक्षरों में लिखी जा सकती है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन देश के एक एक गांव तक बिजली पहुंचाने के मिशन को पूरा कर लिया गया। मणिपुर के लाइसंग गांव में बिजली पहुंचने के साथ ही मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया। मोदी सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जब शुरू की गई थी, तब देश के कुल 18,452 गांव बिजली से वंचित थे। इसके अलावा योजना के दौरान अलग से 1,275 गांव ऐसे भी जुड़े जहां बिजली पहुंचाने की चुनौती थी। सरकार ने निर्धारित समय से 13 दिन पूर्व ही 28 अप्रैल 2018 तक इन सभी गांवों में बिजली पहुंचाकर लोगों के जीवन में उजाला भर दिया। आज मुझे खुशी है कि पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर देश के करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने वाली इतनी बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। घर में बिजली ना होने पर गरीबों और विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जिस तरह की दिक्कत आती है, उसे समझते हुए ही सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। सौभाग्य गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन। देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार देश के हर घर को रोशन करने की मुहिम में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य यानी सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के हर गांव के हर घर तक बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों के हर घर में विद्युतीकरण करना सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने 2023-24 के बजट में 16,320 करोड़ रुपए सौभाग्य के लिए दिए हैं, जिसमें 14,025 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किए जाएंगे और बचा हुआ 2,295 करोड़ रुपए का बजट शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित है। घर चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, कारीगर का हो, चरवाहे का हो या किसी रईस का, एक जैसी बिजली से ही जलता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी समग्र बिजली क्षमता के कुछ और पहलुओं की। ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल के सफर में ऊर्जा मंत्रालय की उपलब्धियों की। 9 साल के भीतर भारत में ऊर्जा सेक्टर में हुआ कायाकल्प संपूर्ण और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों पर फोकस रखकर ही संभव हुआ है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। उजाला किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति कार्यक्रम। घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा कुशल बनाने और सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति कार्यक्रम के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया। कम समय में ही ये कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा गैर सब्सिडी प्राप्त स्वदेशी प्रकाश कार्यक्रम बन गया, जो महंगी बिजली और दक्ष प्रकाश व्यवस्था के कारण उच्च उत्सर्जन की समस्याओं का समाधान करता है।
जून 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 36.86 करोड़ से अधिक LED बल्ब, 72,18,000 LED ट्यूबलाइट और 23,59,000 ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 48,411 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे के साथ ही 19,332 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथ ही 9,586 मेगावाट की अधिकतम मांग में कमी हुई और वार्षिक 38.78 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हुई। उजाला योजना की वजह से घरों के वार्षिक बिजली बिलों में औसतन 15% की कमी आई है। आज ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे रही उजाला योजना के जरिए उपभोक्ता पैसे बचाने, जीवन स्तर में सुधार लाने और भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान करने में सक्षम हुए हैं। जो बल्ब 350 रुपए में बिकता था, अब उजाला स्कीम के तहत केवल 40-45 रुपए में वो बल्ब उपलब्ध है। बिजली निर्यातक देश बना भारत। देश की समग्र बिजली क्षमता का प्रमुख आधार है परंपरागत या कोयला आधारित बिजली। पिछले 9 वर्षों में भारत की कुल बिजली क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज देश में खपत से अधिक बिजली उत्पादन हो रही है। इतना ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र में भारत अब निर्यातक देश बन गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक भारत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को बिजली का निर्यात कर रहा है। बिजली उत्पादन बढ़ा। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ये असर है कि देश में लगातार बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तरफ वितरण में होने वाला नुकसान कम हुआ है, दूसरी ओर सफल कोयला एवं उदय नीति से उत्पादन बढ़ा है। आज देश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अब तक के सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध है। ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ी। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन केवल विद्युत उत्पादन से नहीं होता, बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी उचित कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। सरकार के वन कंट्री वन प्राइस एंड वन ग्रिड यानी एक देश एक मूल्य और एक ग्रिड पहल के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। मार्च 2014 में ट्रांसमिशन क्षमता 5,30,546 MVA थी, जो बढ़कर मार्च 2017 में 7,22,949 MVA हो गई। आज देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिससे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो रही है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। In the earlier editions, we spoke about our plans for a journey from megawatts to gigawatts in renewable energy. We also spoke about one sun, one world, one grid to leverage solar energy. In a short time, many of these plans are becoming a reality. Friends, in the last 6 years, India is traveling on an unparalleled journey. ये वो सरकार थी जिसने 24 घंटे 365 दिन बिजली देने का वादा किया। 24 घंटे की बिजली, वो भी हर सूबे, शहर, कस्बे से लेकर देहात तक। बीते 9 सालों में 24 घंटे 7 दिन बिजली देने का सरकार ने जो वादा किया था, उस लक्ष्य को पूरा करने में मोदी सरकार आज कहां तक पहुंची है और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है, यह जानना भी जरूरी है।
2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य। ऊर्जा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। मोदी सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 2030 तक स्थापित क्षमता का 50% हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा का हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप योजना, सौर रक्षा योजना के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सोलर पार्क योजना के तहत अब तक 14 राज्यों में 39.28 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 56 सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। 17 पार्कों में 10 गीगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर। प्रकृति में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से बिजली पैदा की जा सकती है। ऐसा ही एक क्षेत्र पवन ऊर्जा का है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रहा है, और इसी का प्रमाण है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पवन ऊर्जा उत्पादन में काफी प्रगति की है। पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना में आज भारत विश्व में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं देश की तटवर्ती पवन क्षमता अब 1164 गीगावाट होने का अनुमान है। सरकार के निरंतर प्रयासों से देश ने लगभग 15 गीगावाट घरेलू पवन ऊर्जा क्षमता विकसित की है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। 2047 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। मोदी सरकार का आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले यानी वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, और इसके लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक नियोजित नवीकरणीय क्षमता से बिजली प्राप्त करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। भारत दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के विकास की सबसे तेज वृद्धि दर के साथ दुनिया के नेतृत्व करने वालों में से एक के रूप में उभरा है। देश में वर्तमान में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 409 गीगावाट है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 173 गीगावाट क्षमता शामिल है, जो कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 42% है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। बहरहाल बीते 9 सालों में ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज देश में पारंपरिक ही नहीं गैर पारंपरिक ऊर्जा का भी भरपूर उत्पादन हो रहा है, और भारत सौर ऊर्जा के बहुत बड़े बाजार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। धीरे धीरे देश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 24 घंटे 7 दिन बिजली देने का मोदी सरकार ने जो वादा किया था, ऊर्जा मंत्रालय उसे पूरा करने में पूरी शिद्दत और पारदर्शिता के साथ जुटा है। विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए विभिन्न मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च किए हैं, ताकि पारदर्शिता और दायित्व निश्चित किए जा सके और उपभोक्ता विद्युत मंत्रालय के कामकाज और कार्य प्रदर्शन पर नजर रख सकें। पिछले 9 वर्षों में वास्तव में भारत ने विद्युत क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है।
इस क्षेत्र में हुए सुधारों की देश में चर्चा भी हो रही है और आगे के सुधार कार्यक्रम और प्रक्रिया सतत रूप से जारी हैं। बहरहाल मोदी सरकार के 9 सालों को अगर शब्दों में समेटने का प्रयास किया जाए तो जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 3 शब्द याद रखने होंगे, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल से जुड़ी हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।